हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बड़ी वैकेंसी लेके आ गए हैं और ये जो वैकेंसी निकल रही है, ये जो भर्ती प्रक्रिया निकल रही है, वो वन विभाग से निकल रही है। वन विभाग सीधी भर्ती प्रक्रिया, इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखी गई है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कम से कम 12वीं पढ़े लिखे होना अनिवार्य है। इसके साथ इसमें आपको बताया गया है महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर पाएंगे, मेल एंड फीमेल इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। और इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी हाइट होनी चाहिए, वन विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर फीमेल की यहाँ बताई गई है। अधिक जानकारी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाएंगे। और इसका जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन भरना है, फॉर्म ऑनलाइन निकला है। सैलरी की बात करें तो 38,100 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें वेतन मिलेगा। एक सरकारी जॉब है और ये जॉब निकल रही है वनपाल के लिए। पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है वनपाल, यानी कि फॉरेस्ट की यहाँ वैकेंसीज मिल रही है आपको। और इसके साथ ये एक सरकारी नौकरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस भर्ती प्रक्रिया की बेसिक जानकारी हिंदी में और इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन बात करेंगे। वैकेंसी वन विभाग से आपको मिल रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आपको मिल रही है, फॉरेस्ट जॉब निकला है। और इसमें पद आपको कौन कौन से बताए गए हैं, दो प्रकार की वैकेंसी आपको मिल रही है, एक तो वन सहायक मिल रही है और एक वनपाल की वैकेंसी आपको मिल रही है। यानी कि दो प्रकार की वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है। इसमें अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है दोनों पोस्टों के लिए, वो हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। और इसमें जो आपको वेतन बताया है वो 38,100 रुपये प्रति महीना। और वन विभाग भर्ती प्रक्रिया के लिए न्यूनतम जो योग्यता है, यानी कि आप कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसमें बताया गया है अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था से 12वीं पास होना चाहिए तो ही फॉर्म भर पाएंगे। इसमें 10th पास कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यदि आप 10th पास हैं तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगा। और इसमें राष्ट्रीयता क्या रखी गई है, यानी कौन फॉर्म भर सकता है, इसमें भारतीय मतलब सभी राज्यों के लिए वैकेंसीज है, आप सभी राज्यों से ये फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको कैसे बताएंगे कि कैसे ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। और इसके साथ इसमें आयु सीमा बताइए, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से लेकर 40 वर्ष और 18 से इसमें न्यूनतम 18 से और अधिकतम आपकी होनी चाहिए 40 वर्ष। अभ्यर्थियों का चयन यहाँ दो प्रकार से बताया गया है, प्रथम इसमें आपका टेस्ट होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो अब हम आपको इसकी फिजिकल की जानकारी दिखा देते हैं कि आपको दौड़ कितनी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये इसमें बताया गया है कि शारीरिक मापदंड न्यूनतम आपको यहाँ बताया गया है, यानी कि ऊंचाई जो जनरल कैटेगरी है, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो हाइट रखी गई है 163 सेंटीमीटर यहाँ हाइट रखी गई है। और इसके साथ यहाँ जनरल की 163 है, ओबीसी की 163 है और अनुसूचित जाति की 163 है। महिला उम्मीदवार 150 सेंटीमीटर इसमें हाइट होना अनिवार्य है। इसके साथ फिर बताया गया है नंबर पॉइंट दो में ऊंचाई अनुसूचित जनजाति की 152 है पुरुषों की, 145 है महिलाओं की। इसके साथ सीने की आवश्यकता है, सीना होना चाहिए आपका 79 सेंटीमीटर। इसके साथ आपकी दौड़ कितनी होगी वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो इसमें आपको बताइए है आपकी दौड़, तो इसमें आप इसे पैदल चाल मान सकते हो। शारीरिक क्षमता फ्रिक्शन 4 घंटे में आपको पैदल चाल चलनी है 26 किलोमीटर, ये पुरुषों के लिए है, 26 है पुरुषों के लिए। और महिला कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है 16 किलोमीटर, यानी कि आपको 4 घंटे में 16 किलोमीटर पैदल चाल चलनी है। यदि आप इस प्रकार की जो परीक्षण में पास होते हो तो आपको इसमें ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। बात करेंगे इसमें आपकी उम्र सीमा क्या रखी गई है, इससे पहले जान लेते हैं नोटिफिकेशन कब प्रकाशित हुआ है। इसमें नोटिफिकेशन आपको बताया है, नोटिफिकेशन प्रकाशन तिथि है 10 जून, यानी कि 10 जून को ये फॉर्म प्रकाशित हुआ है, 10/6 प्रकाशन तिथि आप देख सकते हो इसकी। और इसका फॉर्म भी कैसे भरना है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ बताया गया है लिखित परीक्षा की तिथि है 20 सितंबर 2020, यहाँ टेंटेटिव इसकी एग्जाम डेट भी बताई है आपको, ये केवल टेंटेटिव है। लेकिन यहाँ इसमें यह बताया गया है आपकी लिखित परीक्षा जो है 20 सितंबर को होगी, कन्फर्म नोटिफिकेशन में ये बताई है। इसके बाद यदि ज़्यादा कोरोना के मरीज बढ़ेंगे तो इस एग्जाम को भी जो है स्थगित करके आगे डेट दी जा सकती है, लेकिन फाइनल हम इस डेट को एग्जाम मान के चलते हैं
20 सितंबर 2020 को आपकी एग्जाम होगी। इसके साथ बात करेंगे, इसमें सहायक वन रक्षक की पोस्ट आपको मिल रही है और वन क्षेत्रपाल की वैकेंसी आपको मिल रही है। यहाँ अलग अलग वैकेंसी मिल रही है आपको, 12 वैकेंसीज आपको यहाँ वन रक्षक जो वन संरक्षण की है वो मिल रही है और 157 वैकेंसी आपको वनपाल की मिल रही है। वनपाल की आपको कितनी वैकेंसी मिल रही है वो आप देख सकते हो, 157 वैकेंसी, टोटल 176 वैकेंसी नहीं मिल रही है, टोटल आपको 176 वैकेंसी मिल रही है। फॉर्म कब से स्टार्ट होगा तो यहाँ देख सकते हो, छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट होगा 16/6/2020, यानी कि 16 जून से फॉर्म स्टार्ट होगा, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 15/7/2020। 15/7/2020 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या एग्जाम डेट आपको बताइए। और यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको ये फॉर्म भरना है। कंप्लीट जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई है कि आपको कितना पेमेंट मिलेगा, कैसे सिलेक्शन होगा और अन्य राज्यों की गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक राज्य की वैकेंसी दिखाई जाती है और ये जो वैकेंसीज है छत्तीसगढ़ की निकल रही है। इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल सीट मिलेगी, यानी कि आपको जो अनरिसीव कैटेगरीज हैं उनकी जो वैकेंसीज हैं उन्हीं में शामिल किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है वो भी मतलब यहाँ एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो इस फॉर्म को जरूर भरना और आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है।